जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट फॉरवर्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो आज का मुकाबला होने वाला है फर्स्ट ओडीआई उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्स होने वाले हैं, क्या प्लेइंग इलेवन होगा और क्या होने वाली है पिच की कंडीशन, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, वो सब कुछ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है, नीचे जो पिंड कॉमेंट है यानी कि फर्स्ट कॉमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे सर्च कीजिए @CricInformer, CRICINFORMER, @CricInformer सर्च करेंगे, वहां पे आपको 395,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास एक चैनल दिखाई देगा सेम इसी यूजर नेम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रखिएगा, ग्रैंड लीग पे फोकस ज़्यादा करिएगा। रीजन क्या है, 80% चांसेज है इस मैच में बारिश होने के, और आपको ही मालूम है बारिश होने पे पूरा का पूरा स्ट्रेटजी धरा का धरा रह जाता है। इवन कमजोर बल्लेबाज अगर पहले बैटिंग कर गए, दूसरी टीम बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं कर पाई, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो गेंदबाज है वो ज़्यादा ओवर्स ही ना करें, तो इसलिए ग्रैंड लीग पे फोकस ज़्यादा, स्मॉल लीग पे फोकस कम, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम, ये बात ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट। तो मैच होने वाला है बफेलो पार्क ईस्ट लंदन में। यहां पे जनरली बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले जाते, लेकिन जो अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो वैसे ये बैलेंस विकेट होता है, मतलब रन स्कोरिंग भी ज़्यादा इजी नहीं होता है, पेसर्स को थोड़ा मूवमेंट भी मिलता है, स्पिनर्स को भी टर्न मिलता है, और बल्लेबाज जो टिक के खेले वो अच्छा खेल जाते हैं। तो ये विकेट बैलेंस वन होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, पिछले 2-3 दिनों से यहाँ हो रही है बारिश, पिच है अंडर कवर, जिसके कारण मॉइस्चर होने की ज़्यादा उम्मीद है पिच की। और जब जब मॉइस्चर होता है तो होता क्या है, बॉलें अनइवन बाउंस करती हैं, तो बल्लेबाजों को खेलने में हो जाती है मुश्किल। प्लस यहाँ पर टर्न पहले से रहा है, टर्न होता है, विकेट थोड़ा सा स्लोअर साइड पे रहेगी, तो स्पिनर्स को भी मदद है, पेसर्स को शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट मिलता है यहाँ पे, और प्लस जो ओवरकास्ट कंडीशन है उससे भी मूवमेंट मिलेगा, और मॉइस्चर के कारण अनइवन बाउंस भी होने वाला है, तो बल्लेबाजों को होने वाली है यहाँ पे मुश्किल। अगर पिच जैसा खेलता है वैसा खेल गया और जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये स्लोअर साइड पे होगा, बॉलर्स सारे ही बॉलर्स को अच्छा एडवांटेज होगा, चाहे वो पेसर हो चाहे स्पिनर हो, पेसर्स को अच्छा खासा मूवमेंट होने वाला है, स्पिनर्स को टर्न भी यहां पे मिलता है। तो यह बात ध्यान दीजिएगा, मोस्टली जैसे पिच है उस हिसाब से 200 से 250 के बीच में स्कोरिंग होना चाहिए। बात करते हैं लास्ट के 3 ODI मैचेस। तो पिछले मैच में यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 369 कर दिया था। बांग्लादेश जाहिर सी बात है उतनी अच्छी टीम नहीं है। बाकी अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज 122 पे ऑल आउट हो गई थी, साउथ अफ्रीका 124, पेस को 7, स्पिन को 4 विकेट मिला था, श्रीलंका 236 पे 6, साउथ अफ्रीका 237 बना के चेस डाउन कर गया, पेस को 9, स्पिन को 0 विकेट। और आइडियल नेचर आपको लास्ट वाले टीम से मिलेगा, श्रीलंका भी उस समय थोड़ा ठीक ठाक टीम थी, तो आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छा मुकाबला हुआ था और बैलेंस विकेट का आपको थोड़ा वहां से नजरिया मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें इस पिच पे अगर ओडीआई मैचेस जितने हुए हैं तो टोटल मैचेस 25 हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 13 जीते हैं, बॉलिंग फर्स्ट ने 12 जीते हैं, तो कुछ खास असर उससे पड़ता नहीं है। विकेट थोड़ा सा स्लो होगा और उस हिसाब से आपको टीम बनाने की जरूरत है, मतलब जितने ऑलराउंडर्स हैं ना वो अच्छे पिक होने वाले हैं। अगर बात करें यहां पे हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो साउथ अफ्रीका आपको यहां पे फेवरेट्स दिखाई देगी, 44 मैचेस जीते हैं, वेस्ट इंडीज ने 15 मुकाबले ही जीते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि साउथ अफ्रीका के 4-5 मेन प्लेयर्स आईपीएल के लिए जा चुके हैं, तो वो नहीं खेलेंगे और साउथ अफ्रीका की टीम काफी नई दिखाई देगी, तो वो कैसा एडजस्ट करेंगे इस पिच पे वो बताना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छी टीम नहीं मानी जाती, लेकिन वो टक्कर दे सकते हैं, उसका रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम काफी कमजोर नजर आ रही है। बात करते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्रीव्यू की, तो इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब ये स्ट्रगल कर रहे हैं वनडे फॉर्मेट में, इवन इनका ओडीआई वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करना भी मुश्किल है, हालांकि इनको ये सीरीज जरूर जीतना है। उसके अलावा इनके कई प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं और कुछ प्लेयर्स इंजरीज से मिसिंग कर रहे हैं, जैसे कि मगाला नहीं है, वायन मुल्डर बाहर हो चुके हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं ए फेलिकॉबियो का भी इस मैच में खेलना मुश्किल है, केशव महाराज अभी बहुत लंबे समय के लिए बाहर जा चुके हैं, मतलब बड़ा झटका लगा है। प्लस इनके जो मेन प्लेयर्स हैं, मिलर नहीं थे, मार्करम नहीं
नहीं है और रबाडा नहीं है, नॉर्किया नहीं है, मतलब टीम काफ़ी कमजोर नज़र आ रही है। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को आपको मिलना चाहिए। वेन परनेल ये भी फ्लू से पीड़ित हैं, तो देखना है फिट हो पाते हैं कि नहीं, लेकिन रिपोर्ट जो आया है वो ये है कि कल शाम से ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इतने प्लेयर नहीं है तो इनको खिलाया जाना चाहिए अगर हाफ फिट होंगे तब भी। तो ये है इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर की। तो मोस्ट ऑफ द ओवर आप देखेंगे वेन परनेल, जी कोएट जी, बी फॉर्च्यून, तबरेज शामसी, एंगिडी से, इनके पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन में टी स्टप्स रहेंगे, जरूरत पड़ी तो रिजा हेंड्रिक्स भी हैं जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। उसके अलावा डेथ ओवर्स की बात करें तो एंगिडी कंफर्म है। दूसरा आप मोस्टली कोएट जी या वेन परनेल से देखेंगे, वैसे परनेल को प्रीफर कर सकती है टीम, लेकिन कोएट जी भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं तो ये भी बात ध्यान देना है। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्विंटन डीकॉक, बहुत ही शानदार बल्लेबाज, हालांकि स्लो विकेट के ये बहुत अच्छे प्लेयर नहीं माने जाते, लेकिन एक साइड से एंकर करके ठीक ठाक स्कोरिंग करने का मादा रखते हैं। और उसके अलावा ये आपको दे के जाएंगे कीपिंग बैकअप, और वहां से भी स्लो विकेट्स पे अच्छा खासा पॉइंट कीपर दिला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी आपने लेटन दास का देखा होगा जो सेकेंड T20 मैच था, तो स्लो विकेट पर अच्छा खासा कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। और इनफैक्ट ये कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन में से एक रहेंगे, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, मस्ट हैव पिक, एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। हेड टू हेड थोड़ा खराब है, लेकिन वेन्यू पर जो एकमात्र ओडीआई खेला है उसमें 73 रन बनाए हैं। फिर आते हैं टेम्बा बहुमा, जो कि टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं, और हाँ अभी आप इनका T20 का परफॉर्मेंस जनरली देखते हैं उससे इनको मत कंपेयर कीजिएगा, वनडे के ये अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, एक साइड से एंकर करते हुए अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं। वो अलग बात है कि हालिया दिनों में थोड़ा सा अटैकिंग खेलने लगे हैं जैसे इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया था, लेकिन उसका देखिए अटैकिंग नेचर ये जब खेलेंगे ना तो टोटली दो धारी तलवार हो जाएगा, क्योंकि वो उनका नेचुरल गेम नहीं है, तो विकेट फेंकने के चांसेज इनके बढ़ जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा ये स्लो विकेट है तो आराम से खेलने की कोशिश करें। देखिए ओवरऑल एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ये वनडे अच्छा खेलते हैं, लेकिन किस पिच पे आप किस टीम्स में ट्राई कीजिएगा, ड्रीम इलेवन पे आप ऑलराउंडर्स बॉलर्स ज्यादा ले सकते हैं, तो वहां पे इस पिच पे ऑलराउंडर्स बॉलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप जहां पे तीन बल्लेबाज हैं वहां पे इनको आराम से प्रीफर कर सकते हैं, इवन ड्रीम इलेवन पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्विंग भी होती है बॉल तो उसको अच्छा खेल लेते हैं, और एक साइड से एंकर करके अगर खेले ना तो अच्छा खासा स्कोरिंग करने के चांसेज रहते हैं। तो ड्रीम इलेवन पे थोड़ा सा डिसेंट ऑप्शन, बाकी जहां पे तीन बल्लेबाज लेना ही लेना है वहां पे मस्ट हैव पिक रहेंगे। और अभी टेस्ट सीरीज में भी इन्होंने एक बेहतरीन सेंचुरी लगाया है। फिर आते हैं रिजा हेंड्रिक्स, जो कि टेक्निकल बल्लेबाज हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी अगर हम साउथ अफ्रीका वाला लीग छोड़ दें तो उससे जस्ट पहले करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे थे, लगातार स्कोरिंग भी कर रहे थे। हालांकि जब बॉल थोड़ा स्लो होता है तो इनके चलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और हालिया फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। एक हम 96 वाला इनिंग छोड़ दें जो इन्होंने खेला था लास्ट T20 में, जो साउथ अफ्रीका T20 लीग था, तो उसके अलावा बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और मोस्ट ऑफ द टाइम 20-25 जाते जाते विकेट फेंक दे रहे थे, तो थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन होंगे। लेकिन जहां पे तीन बल्लेबाज लेना है वहां पे आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और हैं टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन, लेकिन तीन बल्लेबाज जहां पे लेने वहां पे टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, तो वहां पे ये आप ट्राई कर सकते हैं इनको। फिर आते हैं रासिवान डाडू से, इन साउथ अफ्रीका के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस फॉर्मेट के, इवन वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज इस फॉर्मेट में, टेक्निकल बल्लेबाज, 67 का इनका एवरेज है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं रियान रिकल्टन, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, जब ये अटैकिंग खेलते हैं तो विकेट फेंकते हैं, लेकिन जब आराम से खेलते हैं ना तो इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। T20 में इनका रिकॉर्ड गड़बड़ होता है, वनडे और मतलब लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास मैचेज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन हालांकि यहाँ पे अभी डेब्यू करेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो बताना मुश्किल है, तो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, अभी के लिए आप आराम से छोड़ सकते हैं। टी स्टप्स पावर हिटर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्लो विकेट पे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्म अभी बहुत ही खराब रहा है, और उसके अलावा ये बॉलिंग बैकअप दे के जाएंगे तो जरूर, लेकिन कितना बॉलिंग मिलेगा वो कन्फर्म नहीं है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अभी के लिए आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं वेन परनेल, यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा इनको शुरुआती ओवर्स में, और शुरुआत में एक दो विकेट आराम से ये ले सकते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, बॉल इनकी शुरुआत में अच्छा खासा मूव करती है, प्लस इनके पास यॉर्कर्स भी अच्छे हैं और हालिया दिनों में कटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, प्लस बैटिंग भी मान के चलिए आनी ही आनी चाहिए क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग काफी इनएक्सपीरियंस है, हेड टू हेड बहुत ही तगड़ा है, चार मुकाबलों में 7 विकेट ले चुके हैं इस टीम में, और अभी इनका साउथ अफ्रीका वाले लीग में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रहा था, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फिर आते हैं जी कोएट जी, जो कि बैटिंग भी कर
लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं 145 के आसपास और हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं। और अभी इनका अगर आपने साउथ अफ्रीका वाले लीग्स में परफॉर्मेंस देखा होगा तो बहुत ही अच्छा था, अच्छा खासा विकेट लेके जा रहे थे और टीम इन पर भरोसा भी करेगी। ओवरऑल एक बेहतरीन ट्रंप कार्ड पिक रहेंगे, आप रिस्क ले सकते हैं। बस एक दिक्कत है कि इंटरनेशनल प्रेशर अलग होता है, आते ही कैसे परफॉर्म करेंगे प्लेयर नहीं मालूम, लेकिन इनको पिच से भी मदद मिलेगा प्लस पेस भी है, विकेट टेकर माने जाते हैं और बैटिंग बैकअप भी देते हैं। तो इसलिए जीएल में तो जरूर ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट बॉलिंग आ गई तो हो सकता है डेथ में भी गेंदबाजी कर जाए, तो उस केस में आपके लिए एक ट्रंप कार्ड पिक रहेंगे। तो एज ए ट्रंप कार्ड जो भी रिस्क लेना चाहते हैं इस प्लेयर पर रिस्क लीजिए, वाकई में इनके पास टैलेंट है, यह बात ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं बी फॉर्च्यून, जो कि अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। बस दिक्कत यह है इनको विकेट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता अनटिल अनलेस पिच में बहुत ज़्यादा मतलब इनको टर्न ना मिले। साउथ अफ्रीका T20s में आपने देखा होगा जिस पिच पे भयंकर टर्न था वहाँ पे ये बंडल्स में विकेट लेते हैं। उसका रीजन ये है ना, इनकी लाइन लेंथ बहुत ही लाजवाब है और जब टर्न होगी बॉल ये तो ये अनप्लेएबल हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टर्न थोड़ा सा होता है तो वहाँ पे अनप्लेएबल हो जाते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बैटिंग फ्रेंडली पिच होता है या बैलेंस होता है तो बाद इनको आराम से खेल जाते हैं, हिट करने की कोशिश नहीं करते, फिर इनको विकेट ज्यादा नहीं मिलता है, तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। ओवरऑल एक ट्रंप कार्ड पिक हो सकते हैं, उसका रीजन ये है कि यहां पे टर्न मिलने की संभावना है प्लस अनइवन बाउंस भी होगा और ये LBW और बोल्ड के डिसमिसल यहां पे ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि बॉलें सीधी रहती हैं, अगर सही बाउंस नहीं किया बल्लेबाज चकमा खा गए तो LBW और बोल्ड के डिसमिसल इनको मिल सकते हैं इस टाइप के पिचेज पे। तो इनको जीएल में आपको जरूर ट्राई करना है, स्मॉल लीग में भी रिस्क टेकर्स रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इनके जैसे गेंदबाज यहां पे सफल हो सकते हैं, यह बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि इनसे ज्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाज है तो पहले उनको प्रीफर कीजिएगा, लेकिन जो रिस्क टेकर्स हैं इनको रिस्क ले सकते हैं। फिर आते हैं तबरेज़ शामसी, इस टाइप के विकेट पर मस्ट हैव पिक रहेंगे, ये विकेट टेकर हैं, चाहे जैसे पिच हो विकेट लेते ही लेते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेल पाती सामने वाली टीम, सेम लॉजिक फॉर्च्यून के साथ भी रहेगा, लेकिन इनकी बॉलें थोड़ा ज्यादा टर्न करती हैं तो विकेट लेने के चांसेस इनके ज्यादा रहेंगे और ये विकेट टेकर हैं, इवन बैटिंग फ्रेंडली पे भी विकेट लेते हैं। वेस्ट इंडीज टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती तो इनको तो आपको जरूर लेना है, चाहे जब बॉलिंग आए मस्ट हैव पिक रहेंगे। फॉर्च्यून में एक बार थोड़ा सा आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन शामसी मस्ट हैव पिक रहेंगे, बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। फिर आते हैं लुंगी नगेडी, जो कि बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं और सबसे बड़ी बात कि ये पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अगर आप पर मैच का एवरेज निकालें ना तो मुझे लगता है वर्ल्ड के टॉप 5 में आते होंगे विकेट लेने में पर मैच में, और इनकी पिटाई भी होगी तब भी विकेट लेते हैं, पेस है इनके पास, मूवमेंट हासिल करते हैं, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, यॉर्कर है, बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है, मस्ट हैव पिक रहेंगे जीएल में, एक आग टीम में कैप्टन भी कर लीजिएगा, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम के प्रीव्यू की, तो देखिए वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत अच्छी टीम नहीं मानी जाती इस फॉर्मेट की और बहुत ज़्यादा आप उम्मीद भी इनसे नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाली टीम कमज़ोर है इसलिए ये टक्कर देंगे उनको और क्या पता मात भी दे दे नए कैप्टन के, उससे ये स्टार्ट करने वाले हैं लीडरशिप में, साई होप अब इनके कैप्टन है। बात कर लेते हैं इनके प्रोबेबल 11 के एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ओडिन स्मिथ या तो वाई कारिया के जगह खेलेंगे या तो सेफर्ड के जगह भी टीम प्रीफर कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है, रोस्टन चेज और ब्रेडन किंग में स्लो विकेट के हिसाब से टीम को चेज को खिलाना चाहिए, फिलहाल मैं श्योर नहीं हूँ। और बात कर लेते हैं इनके प्रोबेबल 11 की, सॉरी कौन कितना ओवर करेगा, तो देखिए अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन, आर सेफर्ड, जेसन होल्डर और वाई कारिया, ओडिन स्मिथ में जो भी खेलेगा, ये 5 मेन बॉलर्स रहेंगे। छठे बॉलिंग ऑप्शन में अगर चेज खेले तो वो हैं और उसके अलावा काइले मेयर्स हैं जिनको अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है यहां पे शुरुआती ओवर्स में, तो ये बात ध्यान देना है कि काइले मेयर्स यहां पे शुरुआती ओवर्स में अच्छा खासा बॉलिंग करके जा सकते हैं, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। डेथ ओवर्स की बात करें तो मोस्टली मैं होल्डर और सेफर्ट से उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन जोसेफ को भी अल्जारी जोसेफ और सेफर्ट से मैं उम्मीद कर रहा हूं, होल्डर भी कभी कभी कर जाते हैं और इनफैक्ट ओडिन स्मिथ के भी चांसेज रहते हैं कभी कभी, लेकिन जोसेफ के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। आगे बढ़ जाते हैं, टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। सबसे पहले आते हैं साई होप, चाहे जैसा विकेट हो अच्छा खेलते हैं प्लस बहुत ही टेक्निकल बल्लेबाज, कीपिंग भी मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं को करना चाहिए, तो इनको आप जरूर कवर कीजिए। 49 का एवरेज है वनडे फॉर्मेट में, बहुत ही लाजवाब प्लेयर है, इवन आप चाहें तो सी और वीसी के ऑप्शन में भी इनको रख सकते हैं। फिर आते हैं काइले मेयर्स, जिनको मैं बहुत ही हिट और मिस टाइप वाली बल्लेबाज मानता हूं, इवन आप भी मानते होंगे, और इनके बैटिंग का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी कभार होता है लक अच्छा रहा, कैचेज अगर ड्रॉप हो गए तो अच्छा खासा स्कोरिंग कर देते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली आप देखेंगे जीवनदान इनको जरूर मिला रहता है, मतलब ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो चांसेस जरूर देते हैं। इस पिच पे चलने के चांसेस बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि ये बॉलिंग करेंगे
वो भी शुरुआत में 3-4 ओवर का स्पेल आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट मिलता है और वहाँ पे अगर इन्होंने विकेट ले लिया तो 20-25 रन बनाने का मादा रखते हैं, मतलब 40-50 पॉइंट देके जा सकते हैं। तो इसलिए एक ठीक ठाक ऑप्शन आपके टीम में रहेंगे। और कभी कभी इनकी बॉलें अच्छा खासा मूव करती हैं, जब पिच में मूवमेंट होता है तो ये इफेक्टिव हो जाते हैं। वैसे हैं एवरेज गेंदबाज, लेकिन मूव जब होता है तो इनको विकेट मिल जाता है, इसलिए एक ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। वैसे मैं इनको बोलता आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये जो बॉलिंग बैकअप इस पिच पर रहेगा ना, बैटिंग होता बैटिंग फ्रेंडली तब ये कुछ खास नहीं करके जाते, एक आध विकेट गलती से ले सकते हैं, लेकिन यहां पे विकेट लेने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एक ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं समरा ब्रुक्स, स्लो विकेट से बहुत ही अच्छे प्लेयर और इनफैक्ट ये वनडे के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है इनका फॉर्म इस समय बहुत ही खराब चल रहा है और लास्ट के 10 मैचेज में कोई बड़ा स्कोर इनके बल्ले से नहीं आया है, मतलब 60 के ऊपर स्कोर जल्दी नहीं आया है। तो अभी के लिए आप इनको छोड़ सकते हैं, हालांकि जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में अगर आपने देखा होगा एक स्लो विकेट पे इनका सीरीज हो रहा था आयरलैंड के खिलाफ, जहां पे 150-150 रन ही बन रहे थे और वहां पे ये टीम के हाईएस्ट स्कोरर थे और बहुत ही अच्छा ये खेल रहे थे, चाहे टर्न हो चाहे जैसा हो उस पे अच्छा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर रहे थे। मतलब टैलेंट है, फॉर्म लेकिन नहीं है, तो और ऐसे पिचेज पे फॉर्म आना जल्दी वो मुश्किल ही रहता है, लेकिन जीएल में इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं रोस्टन चे, अगर खेले तो ये आपको बॉलिंग भी अच्छा खासा करके जाएंगे, टेक्निकल प्लेयर है और कभी भी 30-35 रन भी बना सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे अगर खेलते हैं तो। फिलहाल मुझे डाउट है कि खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं ब्रेडन किंग, जो कि ठीक ठाक बल्लेबाज है और बीच में करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन इधर लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लस स्लो विकेट के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं माने जाते, थोड़ा इनकंसिस्टेंट भी रहते हैं, छोड़ सकते हैं आराम से। फिर आते हैं निकोलस पुरन, जो कि बहुत ही पावर हिटर हैं और इवन जब स्लो विकेट होता है ना तो ये स्पिन अच्छा खेल लेते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ओडीआई में ये कंसिस्टेंट उतना ज्यादा नहीं रहे, प्लस कीपिंग करेंगे कि नहीं उस पर डाउट है। अब यहां पर सीधे सीधे देख लीजिएगा, अगर ये कीपर मेंशनड होते हैं तो आप इन पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कीपिंग से भी इस टाइप के पिच पे 20-25 पॉइंट मिल जाता है और उसके अलावा ये आपको बैटिंग बैकअप भी देंगे और बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, टिक गए तो अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। बस ये है कि कंसिस्टेंसी में इस फॉर्मेट में कमी रहता है, तो सीधे सीधे इनको लेना ना लेना इनके कीपिंग के ऊपर रहेगा। अगर कीपर मेंशन है तब आप इनको ट्राई कर लीजिए, कीपर मेंशन नहीं है तब उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि तब थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहते हैं। फिर आते हैं रोमन पावर, जो कि पावरफुल हिटर है लेकिन इस टाइप के पिचेज पे चलने के चांसेस इनके बहुत ही कम रहते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं जेसन होल्डर, जो कि शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट भी हासिल करेंगे, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, शॉर्ट पिच बॉलों का अच्छा खासा प्रयोग कर लेते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विकेट टेकर है, अभी टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्लस बैटिंग बैकअप भी देंगे, इस टाइप के पिचेज पे सबसे सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन में से एक रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं आर सेफर्ट, वेस्ट इंडीज के मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स। रीजन क्या है? ये रन भी बनाते हैं, बहुत ही पावरफुल हिटर है और उसके अलावा ये विकेट भी लेते हैं, विकेट टेकर है, इनफैक्ट डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, अगर खेले तो जरूर ट्राई कीजिएगा, कटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस यॉर्कर्स इनके पास अच्छे खासे हैं। फिर आते हैं अकील हुसैन, जो कि अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, हालांकि विकेट टेकर ये भी नहीं है, लेकिन इस टाइप के पिच पे इनको टर्न मिलेगा, प्लस जो मैं फॉर्च्यून का लॉजिक बना रहा था ये भी स्टंप टू स्टंप लाइन लेंथ बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं, तो इनको LBW और बोल्ड डिसमिसल यहाँ पे मिलने के चांसेज रहेंगे, प्लस ये देके जाएंगे आपको बैटिंग बैकअप, मतलब एक अच्छे ऑप्शन आपके टीम में होंगे, विकेट टेकर नहीं है लेकिन इस टाइप के पिच पे इनको एक या दो विकेट आराम से मिलेंगे, प्लस ये आपको बैटिंग बैकअप भी देके जाएंगे, मतलब एक बढ़िया ऑप्शन हो जाते हैं। अलजारी जोसेफ हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, शॉर्ट पिच बॉलों का भी अच्छा खासा प्रयोग करते हैं और मूवमेंट भी हासिल करते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं और सबसे बड़ी बात विकेट टेकर हैं, बैटिंग से थोड़ा बहुत बैकअप भी दे देते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, फर्स्ट बॉलिंग में तो डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, उस केस में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। फिर आते हैं यानी करिया, जो कि थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप देंगे और उसके अलावा बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं, लेकिन दिक्कत ये बहुत ज़्यादा इनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी ओवर्स कट सकते हैं बाकी सारे बॉलर्स के, अगर ओवर ज़्यादा बढ़ेंगे तो यही एक थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है जिनके ओवर कटेंगे, तो अगर खेले भी तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं ओडिन स्मिथ, जो कि पावरफुल हिटर हैं, बॉलिंग पे मैं इनके भरोसा नहीं करता, जम के मोस्टली पिटाई होता है, लेकिन हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं और हिट द डेक टाइप के गेंदबाज हैं, मतलब पेस बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं करते लेकिन इनकी बॉलें टप्पा खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब पेस में ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है इनका और ऐसा जैसे लगेगा कि उससे ज़्यादा स्पीड से आ रही हैं और उससे बल्लेबाज कई बार चकमा खा जाते हैं और विकेट लेने के चांसेज इनके बढ़ जाते हैं, लेकिन पिटाई भी जम के होती है, लेकिन अगर खेले तो एक अच्छे पिक होंगे। उसका रीजन ये है कि ये बैटिंग बैकअप देंगे प्लस हिटिंग भी कर लेते हैं और देखिए स्लो विकेट्स पर मोस्टली जो बॉलर आपको बैटिंग बैकअप देंगे विकेट टेकर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होंगे, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैचअप्स की। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत से प्लेयर ने एक दूसरे के अगेंस्ट खेला नहीं हुआ, फिर भी देख लेते हैं। क्विंटन डिकॉक की बात करें, ये होल्डर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, हालांकि टी ट्वेंटी आई में डोमिनेट किया है उनके ऊपर, लेकिन ओडीआई में 19 रन बनाने में 2 बार आउट हो चुके हैं। बाकी एक बार ये चेज के अगेंस्ट आउट हैं, एक बार अल्जारी और गैब्रियल के अगेंस्ट आउट हैं। गैब्रियल लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली शायद खेलेंगे नहीं। राशि वांडा डूसे की बात करें तो इन्होंने जितना भी खेला है सब पे डोमिनेट ही किया है। बाउमा की बात करें, बाउमा को भी होल्डर ने एक बार फंसाया हुआ है कम स्कोर पर। रिजा हेंड्रिक्स एक बार इनको हुसैन ने आउट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सही होप की बात करें तो इनको समसी ने आउट किया हुआ है T20D में। और देखिए T20s में इनका रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं रहता, हिट करने गए होंगे, फंस गए होंगे, 2 बार आउट हो चुके हैं। निकोलस पूरन की बात करें, पूरन 3 बार आउट है सामसी के अगेंस्ट, और सामसी के ओवर्स अच्छे खासे आप देख सकते हैं इनके अगेंस्ट। रोमन पावल की बात करें, ये भी सामसी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 28 रन 35 बॉल 3 बार आउट है। ब्रेडन किंग ज्यादा खेला नहीं हुआ है। जेसन होल्डर की बात करें, 2 बार ये आउट है वेन पर्नेल के अगेंस्ट, 1 बार इनको एंगिडी ने फंसाया हुआ है, समसी ने भी इनको 1 बार आउट किया हुआ है। काइले मेयर्स पर्नेल के अगेंस्ट 2 बार आउट है, और शुरुआती ओवर्स में अगर मूवमेंट हुआ ना तो मेयर्स इनको आराम से मतलब पर्नेल इनको आउट कर देंगे। बी फॉर्च्यून और सामसी के अगेंस्ट भी आउट हो चुके हैं। इनफैक्ट मेयर्स देखिए एक तो स्पिन के अच्छे प्लेयर नहीं है, दूसरा जब बॉल मूव होती है तो नहीं चलते हैं, बस इनका बॉलिंग बैकअप जो है ना वो दिक्कत कर दे रहा है इस मैच में, नहीं तो चलने के चांसेस बहुत ही इनके कम थे। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम की बात कर लें, बस आपको ये ध्यान देना है कि स्लो विकेट के हिसाब से टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितने बॉलर्स बैटिंग कर लेते हैं वो इस पिच पे अच्छे पिक होंगे, क्योंकि हो सकता है वो मेन बल्लेबाजों के बराबर रन बना दें और विकेट लेके जाएं, तो ये बात ध्यान देना है। विकेट कीपर में डिकॉक और साई होप ये दोनों अच्छे पिक होंगे, दोनों को ही आपको कवर करना चाहिए। साई होप अगर कीपिंग नहीं भी करेंगे तब भी आपको स्लो विकेट पे रन बना के जाते हैं, दोनों को मैंने कवर किया। निकोलस पूरन अगर कीपर मेंशन होंगे तब अच्छे पिक, नहीं तो थोड़ा एवरेज ऑप्शन। बैटिंग सेक्शन में राशि वांडा डूसे मस्ट हैव पिक रहेंगे, पावेल इस पिच पे उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, बौमा एक अच्छे ऑप्शन होंगे और जनरली ये अच्छा स्कोर भी करते हैं इस फॉर्मेट में। अभी के लिए मुझे ड्रीम इलेवन पे मतलब कि बॉलर्स लेने की ज़्यादा और ऑलराउंडर्स लेने ले सकता हूँ मैं ज़्यादा, इसीलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। बौमा एक डिसेंट ऑप्शन होंगे जहां पे 3 बल्लेबाज लेना है, उसके अलावा तीसरे नंबर पे यहां पे आपके लिए रिजा हेंड्रिक्स ज्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। 3 बल्लेबाजों में आप बौमा रिजा हेंड्रिक्स को ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में चलते हैं, यहां पे होल्डर वेन पर्नेल और सेफर्ड ये तीनों मस्ट हैव पिक होंगे। चौथे नंबर पे मैंने मेयर्स को लिया है, मैं इन पे भरोसा तो नहीं करता लेकिन मुश्किल हो जा रहा है कि इनको यहां पे मूवमेंट मिल सकता है, तो इसीलिए मैंने इनको कवर किया है। और कभी कभी भाग्य अच्छा रहा तो 25-30 रन भी बना देंगे, तो इसलिए मेयर्स को मैंने लिया हुआ है। बाकी रोस्टन चेज अगर खेले तो इंपॉर्टेंट पिक होंगे। बॉलिंग सेक्शन में एंगिडी मस्ट हैव पिक, जोसेफ को जनरली विकेट मिलता है मस्ट हैव पिक, गैब्रियल अपने एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं लेकिन कई बार पिटाई भी हो जाता है तो इनके ओवर्स भी कम हो जाते हैं, अगर खेले भी तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। सामसी मस्ट हैव पिक रहेंगे इस पिच पे, अकील हुसैन आपको बैटिंग बैकअप भी देंगे और मोस्टली यहाँ पे 1 या 2 विकेट भी लेंगे, तो जरूर ट्राई कीजिए। ओडिन स्मिथ अगर खेले तो एक ठीक ठाक ऑप्शन, विकेट टेकर है प्लस रन भी बना सकते हैं। नीचे कोएडजी आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, खासकर जब इनकी फर्स्ट बॉलिंग हो तो, और इवन ऐसे भी ये विकेट लेके जा सकते हैं, थोड़ा बहुत रन भी बनाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। बी फॉर्च्यून को एक आध जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा, उसका रीजन ये है ना ऐसे गेंदबाज इस टाइप के पिचेस पे कई बार अच्छा खासा कर जाते हैं, बस एक ही दिक्कत है उतने विकेट टेकर नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो डिकॉक को मैंने कैप्टन किया, होल्डर को भी आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। साई होप अगर विकेट कीपर मेंशन होंगे तो वो भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। जीएल में एंगीडी को जरूर कैप्टन कर लीजिएगा, पर्नेल को कैप्टन कर लीजिएगा, सामसी को कैप्टन कर लीजिएगा, ये लोग रह रहे के बहुत ज्यादा पॉइंट दे देते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी ड्रीम इलेवन की टीम, अब वहां पे क्या एडजस्टमेंट करना है जहां पे आपको 3 बल्लेबाज लेने हैं तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 3 बल्लेबाज जहाँ पे लेने हैं मिनिमम वहाँ वाली टीम है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैं इसमें ना अकील हुसैन को छोड़ना चाहता हूँ ना सेफर्ड को, फिलहाल के लिए मैंने अकील हुसैन को छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ की सेकेंड बॉलिंग हुई तो देखिए ऐसा हो सकता है कि इनके पेसर्स फिर उतना ज़्यादा बॉलिंग ना करें, स्पिनर्स में अकील हुसैन अपना पूरा 10 ओवर कर जाएं, तो सेकेंड बॉलिंग के केस में मैं अकील हुसैन को प्रीफर करूंगा, उस केस में सेफर्ड या अल्जारी जोसेफ में से किसी एक को मैं हटाऊंगा और बाकी मेरी टीम लगभग सेम रहेगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन लगभग यही रहेंगे, बस रिवर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टीम समाप्त होता है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।